हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तो पंगा में क्या हो गया बोलने से मतलब ये हंस रहा है, पूरा हंसने में व्यस्त है। ऐसे 80 वगैरह में जाने का कोशिश चल रहा है। गाइस देखो हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं। तो इस सबको भूख लग रहा है, तो पैदल चलने का कारण एक ही है, तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी मारना। हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड नमस्ते नमस्कार एंड खुलम भाई, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रीडम ब्लॉग्स। मैं मतलब निकल चुका हूँ, अभी घर से लगभग रेडी हो चुका हूँ। तो अब आप लोग को तो पता ही है हम लोग की, तो मैंने बोला ही था कि हम लोग जा रहे हैं तवांग राइड में, तो प्रीवियस वीडियो में तो हम लोग अभी निकल चुके हैं, तो रेडी वेडी हो चुके हैं, तो देख सकते हो। तो ऐसे ऐसे जैकेट पहन लिया हमने रॉयल एनफील्ड का, तो भाई ने मतलब जुगाड़ करके दिया था, पहन लिया है ये। अभी जूता वगैरह बूट वगैरह पहन चुका हूँ, तो दिखने दो। हाँ, अभी से एकदम टावांग सीरीज शुरू हो चुका है गाइस, आप लोग वीडियो मिलते ही रहेगा, तो आप लोग बिना स्किप किए देखते रहो आज का वीडियो। और चलिए रास्ते में बात करते हैं, क्या कहते हो भाई? चलो। हेलो गाइस, तो आपका भाई मोटो ब्लॉगिंग पे आ चुका है, तो सेंटर में जाके दिखाते हैं आप लोग को। वहाँ पे कुछ कुछ भाई लोग उधर ही वेट कर रहे होंगे। भाई 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 भाई, हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, सबको गुड मॉर्निंग। कहाँ गया हमारा हीरो, ए जहर। गुड मॉर्निंग सर जी, व्हाट्स अप। तो गाइस हम लोग ऐसे करके आ चुके थे अभी, और हम लोग का ये लाइनअप वगैरह हो चुका है। यहाँ पे बीरबिटिन लोग हैं, तो इन लोग भी है, लोग हमको छोड़ के जा रहा है, तो ये लोग हमको थोड़ा हौसला देने आया था, तो ये लोग जा रहे हैं अभी। चलो भाई चलते हैं, आशा करना दुआ करना। कहाँ है, और तू भी जा रहे ना? चलो जाना, तो बढ़िया करके इधर में सब थोड़ा जमा हो चुके हैं, तो हम लोग निकल के जाएंगे फटाफट। तो हमारे बच्चे लोग भी इधर है, तो बोल दो हेलो। चलो ठीक है गाइस, हम लोग टेमे भैया के लिए रुक रहे हैं, तो टेमे भैया को रुक के अगर वो आ जाएगा तो हम लोग फटाक से निकल जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी थोड़ा लेट हो चुका है। तो गाइस हम लोग अभी से निकल चुके हैं, तो हमारा राइड शुरू हो चुका है गाइस। तो हम लोग अभी जा रहे हैं पूरा करके टूंग टांग होके, तो फ्यूल अप भी करना है गाइस, टैंक वगैरह फुल करना है, तो हम चलते हैं। तो हम स्टेशन की ओर बढ़ रहे हैं अभी। तो गाइस आप लोग देखिए, ये अगर थोड़ा सा भी अगर हिंदी में ऊपर नीचे हुआ तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना गाइस, क्योंकि पता ही है हम नॉर्थ ईस्ट वाले का थोड़ा बड़ा टाइम होता है। तो सभी राइडर है हमारे गियर अप में है, तो हम लोग अभी चल जा रहे हैं। गैस स्टेशन में पहुंच चुके हैं इस तरह के लोकेशन पे, तो यहाँ पे हमने फ्यूल अप वगैरह करा लिया, तो फुल टैंक हो गया हमारा, तो ऐसे करके लाइन अप है अभी। तो पंगा में क्या हो गया बोलने से मतलब ये मतलब यहाँ पे बैग हमने इसको ट्रांसफर किया था, लेकिन वो बंजी कॉर्ड बांधने में मतलब हम लोग को थोड़ा बबल हो रहा है अभी चलाने में, तो इसका बहुत दिक्कत हो रहा है। कहना चाह रहा है क्यों क्यों क्या दिक्कत हुआ? पानी दिखाई दे रहा है क्या, निकल रहा है? अच्छा, बूंद बूंद। लड़के लोग बड़े ही कष्ट में है अभी, तो अभी हो चुका है, कोई कोई पंगा का बात नहीं है, हंस रहा है पूरा, हंसने में व्यस्त है बिना कुछ काम किए गाइस। तो यहाँ पे एक भैया हमारे लोकल में मिल गए थे, इसने हेल्प किया, तो भैया को भी थैंक्स हमारे तरफ से। नया सब्सक्राइबर समझ रहे हो, समझ रहे हो आप। गैस स्टेशन से निकल चुके हैं अभी हम लोग, बढ़ रहे अपने डेस्टिनेशन की तरफ गाइस। तो गाइस हम लोग अभी पहुंच चुके हैं अभी इस तरह से लोकेशन में, मतलब इसको कहते हैं उड़ांग सेंटर बोल के बोलते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से माजबाट वगैरह भी जाते हैं यहाँ से, हम लोग राइट साइड में अभी सेंटर से राइट साइड में लेंगे, एंट्री करेंगे इसी साइड से। मतलब ज़बरदस्त स्पीड जा रहा है हमारे भाई लोग, रास्ते जो रास्ता बहुत अच्छा है, तो थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहे हैं हम लोग भी, तो क्योंकि बहुत दूर जाना है तो थोड़ा स्पीड को भी मेंटेन करना पड़ता है ना गाइस। तो हम लोग जा रहे हैं अभी पूरा हाई स्पीड में जा रहे हैं, मतलब इतना भी हाई स्पीड नहीं, ऐसे 80 वगैरह में जाने का कोशिश चल रहा है अभी सबका। तो वो लोग बहुत आगे चुका है कि हम लोग को भी थोड़ा स्पीड मेंटेन करना होगा, तो चलिए गाइस हम लोग भी थोड़ा मेंटेन करते हैं अपना स्पीड, देखिए क्या जाए गाइस, थोड़ा सा इतना भी स्पीड नहीं लेंगे, तो थोड़ा सा कॉर्नरिंग ले लिया। तो ज़बरदस्त राइडिंग गियर में सभी अपने अपने राइडिंग गियर को लेके राइड में पूरा एंजॉय करते हुए, तो हम लोग भी पीछे पीछे आ रहे हैं। तो गाइस हम लोग अभी ऐसे करके लोकेशन में है, देख सकते हो क्या बढ़िया रास्ता है, और इधर एक कॉर्नरिंग के मजा लेते हुए गाइस, तो ओके मज़ा लग रहा है गाइस। बहुत दिनों से एक राइड मारने का बहुत प्लान था कि थोड़ा दूर जाए, तो आज वो प्लान मतलब सक्सेस हो रहा है,
तो एक एक तरफा एक ड्रीम भी था कि अरुणाचल में हम लोग बाइक लेके जाएंगे बढ़िया बढ़िया करके दोस्त वगैरह के साथ। तो आज एक ड्रीम कंप्लीट हो रहा है, मेरा ड्रीम ड्रीम ट्रिप है ये, और जाएंगे दूर दूर भी जाएंगे। पहले यहीं पे जा रहे हैं अभी अरुणाचल में, तो अरुणाचल शानदार है गाइस, शानदार बवाल है, बवाल गाइस। तो अभी हम लोग उसी पहाड़ में ऊपर ऊपर में चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, चढ़ते जाएंगे, मतलब ऐसा कुछ सीन है। तो अभी तो हम लोग वहाँ पे एक बालीमू बोल के जगह है जो जो कि हम लोग का थोड़ा सामने गिरता है, तो हम लोग उसको जानते हैं, सुने हैं। तो आप लोगों को भी दिखाएंगे बालीमू के नज़ारे, हम भी आपको बालीमू का नज़ारा भी दिखाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आप लोग देख सकते हो अभी व्यू, वो खतरनाक लग रहा है भाई, अपने आंखों से देखोगे तो खतरनाक दिखाई देगा भाई। आप लाइक कर देना गाइस इसी बात पे। गाइस देखो हम लोग कहाँ पहुंच चुके हैं, तो इस बवाल है भाई, बवाल है बोल रहा हूँ ना, बवाल। इस तरह से लोकेशन को, लोकेशन पे अगर आपको व्यू में अगर प्यार नहीं आया तो क्या ही बोल सकते गाइस, ओपी बोलो गाइस, ओपी। ऐसा व्यू कभी नहीं मिल सकता गाइस, और ये मजा सिर्फ पहाड़ों में है गाइस, पहाड़ों में। जो भी कुछ नेचर लव करता है वो पहाड़ को कभी भूल ही नहीं सकता, पहाड़ों के अंदर मतलब आपको क्या बढ़िया लगता है, देख सकते हो क्या व्यू है इधर में, ऐसा व्यू होके रखा है। अभी कैमरा में कैसे आ रहा है पता नहीं, वैसे मतलब आँखों से जो दिखाई दे रहा है ना वो मतलब बवाल चीज़ है, कैमरा से भी एक्स्ट्रा लेवल ऊपर है ये, तो आप लोग देख सकते हो गाइस। जैसे कि गाइस अभी हम लोग पहाड़ पे चढ़ चुके हैं, तो पहाड़ पे मतलब रास्ता भी सही है, तो चला के बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा है। तो हम लोग अभी बालीमू बोल के प्लेस में पहुंच चुका है गाइस, तो ऐसे ऐसे करके नज़ारे हैं बालीमू का अभी। तो जो है हमें ऑलरेडी पहाड़ पे चढ़ चुका है, तो पहाड़ पूरा सामने ही है, आप लोग देख सकते हो ये पूरा सामने पहाड़ है गाइस, हम लोग पूरा पहाड़ में ही जा रहे हैं। ये बालीमू यहाँ से 9 किलोमीटर दिखा रहा है गाइस, यहाँ पे 9 किलोमीटर चलाने के लिए कम से कम आधा घंटा से ज़्यादा लगेगा गाइस, जो कि रास्ता थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा है ना, तो ऐसा है। गॉड देखा गाइस क्या व्यू है, ओ पी व्यू, ओ पी गाइस, ऐसा व्यू मिलेगा कहीं पे? तो व्यू देखो गाइस क्या व्यू है, हाय हाय हाय। सोच रहे होंगे कि मैं अभी पैदल क्यों चल रहा हूँ, तो पैदल चलने का कारण एक ही है कि आप लोग को एक कुछ दिखाना है, तो चलो दिखाते हैं, आप लोग देखो। तो इस तरह से नज़ारे हैं, ओ गाइस ओपी, ये देख सकते हो, ये हम लोग इस नज़ारे को देखने के लिए आए थे। पूरा यहाँ पे मतलब ऊपर से पूरा दिखाई दे रहा है, पानी वगैरह जा रहा है वहाँ पे, तो आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ थोड़ा बहुत। तो यहाँ यहाँ मतलब आपका गांव है एक, तो ऊपर से दिखाई देता है, मतलब कैमरा में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, लेकिन ये व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, ज़बरदस्त लग रहा है आँखों से तो कैमरा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आके, अगर कोई आते हो तो आराम से देख के जा सकते हो, ये भी एक व्यू पॉइंट है, तो बालीमू में ही कह सकते हो एक व्यू पॉइंट है बोल के। तो हम लोग अभी इस तरह से जा रहे हैं रास्ते से, तो अभी हम लोग ज़्यादा अगर वीडियो लंबा होता है तो इसको दो पार्ट में कर देंगे, तो इसको पार्ट वन पार्ट टू भी कर सकते हैं, तो आप लोग सिर्फ सपोर्ट करना गाइस। तो दिखाते रहेंगे आप लोग को अच्छा अच्छा जगह, मतलब आधा आधी ऐसे नहीं दिखाएंगे, तो पूरा दिखाने का कोशिश चलेगा गाइस। तो आशा करते हैं आप लोग लाइक करेंगे बोल के, सब्सक्राइब भी करेंगे, और साथ में कमेंट भी कर देना गाइस कहाँ से देख रहे हो। तो अभी चलते हैं फिर से अपनी राइट पे। तो गाइस हम लोग इस तरह से लोकेशन में पहुंच चुके हैं, जहाँ की मतलब पास दिखा के जाना पड़ता है, क्योंकि मतलब क्या बोलते हैं, अरुणाचल में एंट्री करने के लिए आपको ILP का ज़रूरत है, जो कि हमने ऑनलाइन आगे ही पहले ही बना के रखा हूँ, इसके लिए हम लोग अभी पास दिखा के यहाँ पे जाना पड़ेगा। तो पीछे यहाँ पे पुलिस वाला लोग है, तो इस तरह से सभी रुक चुके हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भाई लोग है, तो यहाँ पे सब लोग है, तो हम लोग रुक रहे हैं, तो यहाँ पे दिखा के हम लोग निकल जाएंगे अभी। तो यही है, नहीं नहीं शकल नहीं, पास दिखाऊंगा बोला भैया, ऐसा नहीं है, हाँ पास। तो भैया हमको क्या क्या, तो हम लोग पास दिखा के निकल जाएंगे यहाँ से अभी। तो चलो जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं काम सब, तो निकलते हैं। तो गाइस जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पे पास के लिए रुके थे, तो पास बनाना सब हो गया है गाइस, तो आया तो पहले से ही था गाइस, तो अभी दिखा के यहाँ से एंट्री वगैरह करके हम लोग निकल रहे हैं। तो और अभी तो बहुत ही टाइम हो ही गया, लगभग हम लोगों का आया हुआ लगभग कितना टाइम हो ही गया, सुबह को ब्रेकफास्ट किया था, वो मैगी थोड़ा सा खा के आया था, तो अभी भूख लग रहा है गाइस, तो इसीलिए थोड़ा खाने का जगह ढूंढते हैं और उसमें खाते हैं। चलो गाइस एडवेंचर टाइप का ऑफ रोडिंग मिल चुका है, मतलब ऑफ रोडिंग कच्चा रास्ता मिल चुका है, थोड़ा ख़राब है, तो इधर भी रास्ता बना ही रहा है लगभग,
तो ये होने के बाद शायद ये नीचे से कुछ बना रहा है गाइस, देख सकते हो आप लोग। तो ऐसे कुछ है नज़ारे अभी, तो हम लोग थोड़ा कच्चा रास्ता में आ रहा है अभी, तो ये भी पक्का ही हो जाएगा। थोड़ा सा ही ख़राब है, मतलब सीधे ही ज्वाइन कर रहा है ये रास्ता, ऐसे काट के मतलब जा रहा है ना, दूर हो रहे हैं तो शॉर्टकट बनाना है एक सीधा करके ब्रिज बना के, तो बहुत मेहनत कर रहा है अरुणाचल में रास्ता बनाने के लिए, लेकिन बहुत मेहनत करता है आदमी लोग, क्योंकि लोगों के पास अभी रास्ता वगैरह इतना अच्छा भी नहीं है, तो तकलीफ़ होता है सब काम में। तो अभी रास्ता होगा तो अच्छा ही होगा इन लोग के लिए भी, हम लोग के लिए भी जाने के लिए। तो गाइस हम लोग जो बोल रहे थे खाने को, वो भूख लगा है, तो लगभग भूख पूरा ही लग चुका है अभी चला चला के, पेट में ऐसे भूख लगा है कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो हम लोग रुक चुके हैं अभी कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे खा रहे हैं। तो भैया लोग ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, तो अभी ऐसे करके रेस्टोरेंट में है, मतलब छोटा सा रेस्टोरेंट है, लगभग GoPro डैडी होने वाला है, तो GoPro को चार्ज कर लेते हैं गाइस। तो भैया सबको भूख लग गया, सबको भूख लग रहा है पूरा ना, तो सबको भूख लग रहा है बोला, तो हम भी खा ही लेते थोड़ा बहुत, तो चलते हैं। है हमारा खाना, तो देख सकते हो खाना आया है हमारे भैया लोग के तरफ से आया है खाना, तो भैया थैंक यू खाना के लिए। तो अभी खाते हैं, तो मैगी आ चुका है, तो मैगी खा लेते थोड़ा बहुत, तो बाकी आप लोग दिखाते जाएंगे अभी रास्ता। तो कहाँ रुकना होता है उधर ही, अभी कोई गारंटी नहीं है, मतलब कहाँ रुकना होगा नहीं होगा। तो गाइस हम लोग अभी खाना पीना खा के निकल चुके हैं यहाँ से, तो अभी भैया लोग ने ये क्या बोलते हैं पावर भी खरीद के दिया थोड़ा बहुत, तो भैया लोग को फिर से मिलेंगे। अभी भैया लोग इधर से घूम के जा रहे हैं, तो भैया लोग हमको छोड़ने आया था थोड़ा, तो जाना भैया अच्छा से, तो वही चलते हम, चलो भैया छोड़ते हैं, आप तो जा ही रहे हो अभी, चलो अच्छा लगा आप लोग छोड़ने आए हमें, तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा। क्या आप तो हमारे साथ जा रहे हो ना बेटा, ये फंस गया सी है, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गए गाइस। तो आप लोग को भी अपडेट देते जाएंगे, तो चलो। तो गाइस हम लोग खाना पीना खा के भैया लोग को बाय बाय कह के अभी आ चुके थे इस तरह से लोकेशन पे, तो ये लोकेशन आप लोग देख सकते हो, तो दिखाओ ये गाइस देख सकते हो वाटरफॉल, क्या मजा लग रहा है यार, अपने आंखों से देखने का मजा ही कुछ अलग होता है ये सब जगह में। तो ऐसे जनरली हम लोग को तो अपनी जगह में ऐसे देखने नहीं मिलता, बट यहाँ आके ये सुकून मिल रहा है कि पहाड़ में आके ये सब देखने को मिल रहा है, तो अच्छा लगता है। पहाड़ों के मतलब नेचर में रहने का मजा ही कुछ अलग होता है गाइस, देख सकते हो वाओ। हम लोग कहाँ पहुँच चुके हैं और हम नीचे के रास्ते भी पूरा देख पा रहे हैं, नीचे है सब कुछ और हम लोग ऊपर है, देख सकते हो पानी वगैरह, वाह क्या सीन है, क्या रास्ता लग रहा है, वाह 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 वाह, देख सकते हो क्या व्यू है गाइस, व्यू ऐसे व्यू देखने के लिए तो आए हैं। मतलब अरुणाचल बोले तो सुंदरता मतलब भरी हुई है, मतलब अरुणाचल में अगर सुंदरता ना दिखाई दे तो ये हो ही नहीं सकता है। मतलब आदमी लोग यही देखने आता है ज़्यादातर, और हम भी वही देखने आए हैं कि कैसे एक्सप्लोर करने आए थे थोड़ा, तो देख सकते हो कितना सुंदर है गाइस, वाओ। मतलब ये सब आने में अगर ये सब चीज़ें दिखाई दे, व्यू वगैरह तो अच्छा अच्छा दिखाई दे, और चीज लगता है। तो और आए हैं इसीलिए है कि हम लोग अच्छा अच्छा जगह देख पाए, मज़ा ले पाए, आनंद ले पाए, और उसमें से आनंद मिल भी रहा है अभी हमको, और लग रहा है। क्यों रुके? ग्लव्स पहन लेता हूँ, रुको ठंडा लग रहा है, ग्लव्स ठंडा एक आ गया ना, हाँ पहन ही लेता हूँ। और हम लोग वादियों का मजा लेते हुए ऐसे ही घूमते घूमते जा रहे हैं, और बाकी उधर में थोड़ा गांव है, सेंटर जैसा है कुछ 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 है यहाँ पे, देख सकते हो आप गाइस देखो। तो हम लोग इस तरह से जा रहे हैं, और बाकी बहुत दिनों से मन था कि यहाँ पे आने का, तो आज आ ही लिया। तो और सुंदर नेचर का मजा भी ले रहे हैं हम लोग अभी, जैसे होगा 5-6 दिन का, तो आप लोग सीरीज वाइज मिलेगा आप तवांग सीरीज, तो आप लोग देखते रहना, तो पूरा एक्सप्लोर करने का ट्राई करूँगा। और बाकी थोड़ा सा भी मज़ा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है, आप लोग तो मालूम ही है, अगर थोड़ा अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी मार देना गाइस, लगे तो लाइक करना, अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी मारना, कोई बात नहीं है, मतलब आप बेझिझक मार सकते हो। बाकी थोड़ा मोड़ा रास्ता भी ख़राब है, बीच बीच में मतलब ख़राब है ऐसे करके रोड है, ऐसे ख़राब भी नहीं बोल सकते टोटली, मतलब ये रास्ता बनाएगा शायद तो लैंडस्लाइडिंग वगैरह के लिए मतलब ख़राब हो जाता है ना, तो इस तरह से ख़राब होके रखा है, कि रास्ता बढ़िया है गाइस, आप लोग जब भी आओगे रास्ता बढ़िया ही मिलेगा, क्योंकि आजकल मतलब जो मैंने पहले भी बताया होगा इंडियन आर्मी ने तो बढ़िया बढ़िया करके रास्ता गरीब वालों के साथ मिलके
बनाते रहता है, मतलब खराब होने नहीं देता है। ऐसे हम लोग अभी लोकेशन पे हो जहाँ की यहाँ से देख सकते हैं कुछ खेती बगीती वगैरह करता है शायद ये लोग पहाड़ में, तो क्या करता है पता तो है नहीं वैसे। तो ये देख सकते हो पहाड़ भी इतना सुंदर सुंदर, मतलब टोटली मैड क्या है। मैक्सिमम जगह में आपको इस तरह का एक चीज़ बंधा हुआ दिखाई देगा अरुणाचल में, तो इन लोगों का कुछ ये होता है शायद कुछ नियम वगैरह होता है तो यहाँ पे लगा के रखते हैं, और ये सिंबल तो रहता ही है तो हमें पता नहीं है वैसे। वकील आदमी को बाद में पूछ सकते हैं, पूछने का चांस मिला तो पूछेंगे। तो वाओ वाओ पागल हो गया हो रहे मैं, बवाल चीज़ है ये, कहाँ आ चुका हूँ मैं, मेरे को विश्वास ही नहीं हो रहा है गाइस ऐसा जगह में आ गया हूँ बोल के विश्वास ही नहीं रहे। इतना सुंदर लग रहा है ना देखने के लिए, ऐसा सुंदर था मतलब मैं मिलने से यहाँ का मतलब हवा में भी कुछ अलग ही स्वाद है गाइस। तो बाप रे, तो हम लोग पूरा अभी नीचे जा रहे हैं, आगे ऊपर में थे अभी पूरा नीचे जा रहे हैं। तो इस तरह से हमने गाड़ी का ये ऑफ कर लिया है थोड़ा तो टेल बचाने के चक्कर में, तो स्पीड तो वैसे भी नहीं जा सकते, तो आराम से गाड़ी का ये बंद करके हम लोग जा रहे हैं। अभी आप लोगों को साउंड नहीं सुनाई दे रहा होगा लेकिन आप लोग देख सकते हो लगभग 35 दे रहा है, 39 पे रुक गया तो ब्रेक में थोड़ा सा तेल बचाना है। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो मेरे जैसा जुगाड़ू आइडिया, क्या कहते हो गाइस। हेलो गाइस, पूरा चला चला के हालत ख़राब हो चुका है लगभग, तो आप लोग देख ही सकते हो बाल बाल देख के, तो पूरा हालत ख़राब हो चुका है। तो और बाकी चेहरा देख के तो बता ही सकते हो थोड़ा बड़ा हालत ख़राब हो, चश्मा पहना हो तब पता नहीं चलेगा इतना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं अभी यहाँ पे, तो आप लोग देख सकते हो खलकटांग बोल के खलकटांग गेट में पहुँच चुके हैं, बट हम लोग अभी खलकटांग नहीं जाएंगे, तो हम लोग जाएंगे सीधे रूपा के तरफ अभी वही, और नहीं जाना है उधर जाते, उधर जाएंगे तो और देर हो जाएगा हमारा, तो हमको अलग डेस्टिनेशन पे जाना है, तो इसीलिए हम लोग इधर नहीं जा रहे हैं अभी। तो ये लोग भी फोटो खिंचवा रहा है, अपना फोटो सेशन कर रहा है, फोटो खींचने में पूरा बिजी। और इस तरह से व्यू है अभी हम लोग का, ये खलकटांग व्यू ऐसा है कुछ। तो गाइस, तो